अगर हम क्वार्टाइल रेंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले चीज तो ये कि आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है बेटा Q3 - Q1। Q3 बेसिकली इज क्वार्टर थर्ड, थर्ड क्वार्टर मतलब, एंड Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा बेटा कि अगर आप थर्ड क्वार्टर में से फर्स्ट क्वार्टर को डिडक्ट करोगे, सो द वैल्यू विल बिकम नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर्मूला तो ये है, बट हमें इस फॉर्मूले को बेटा तीन सीरीज में कैलकुलेट करना होता है, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज कंपैरेटिवली काफी इजी रहेंगे, बट जब हम बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज की बेटा, तो वहां पर आप लोग को काफी हद तक फोकस करना होगा। पहले हम आते हैं जरा इंडिविजुअल सीरीज पे। तो इंडिविजुअल सीरीज है तो मतलब डेटा कुछ इस तरीके से गिवन होगा, लेट से 2, 4, 7, 5, 3, 6। अब ये हमारे पास डेटा गिवन है, तो बेटा ध्यान रखना है इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो लेट से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 2, 4, सॉरी 2 के बाद आएगा 3, 2, अरे 2 के बाद आया 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ओके, और कुछ तो नहीं है। ओके एंड बेटा अब Q1 कैसे निकालेंगे हम, n प्लस 1 अपॉन 4, और यहां पर n का मतलब क्या है बेटा, ओके नंबर ऑफ आइटम। तो लेट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लस 1, या चलो एक काम करते हैं 7 कर देते हैं, यहाँ पे 1 भी रख लेते हैं। 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो यानी 8 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यानी इसका मतलब Q1 की वैल्यू हो गई हमारी 2। पहले बताओ ये बात समझ गए सारे बच्चे, ठीक। अच्छा अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा Q3। Q3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, Q3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा। अच्छा ठीक है, सो दैट मींस 3n, n मतलब 7, 7 आइटम्स है हमारे पास, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, सो ये हो जाएगा बेटा 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2। 3 × 2 हाउ मच, 6th आइटम। तो बेटा 6th आइटम मतलब हमारे पास ये हो गया, तो ये हमारी Q3 की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है। ओके सो Q3 की वैल्यू इज 6 एंड Q1 की वैल्यू इज 2, तो बेटा इंटर क्वार्टाइल रेंज इंडिविजुअल सीरीज में हमारा 4 हो जाएगा। पहले बताओ सब बच्चे समझ गए सारे सारे। ओके अब इसी के बेसिस पे बेटा हम इंटर क्वार्टाइल रेंज सीखेंगे अब जरा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज समझा, अब हम आते हैं बेटा जरा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। जस्ट अ सेकेंड। ओके देखो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ये होता है बेटा कि आपके पास ना दो डेटा गिवन होगा। दो डेटा गिवन होने का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे लेट से मार्क्स, और बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो लेट से मार्क्स हमारे पास बेटा 10, 20, 30, 40, 50। हम इसे भी क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखेंगे, लेट से 2, 4, 7, 9, और यहां पे लिख देता हूं मैं 6। ओके सो मेरे पास x जो है यानी मार्क्स, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है बेटा। अब देखो सबसे पहली चीज, हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। सेकेंड स्टेप, डिस्क्रीट सीरीज हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, सारे बच्चे बताएं डिस्क्रीट सीरीज सेकेंड स्टेप। चलो ठीक है, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा हम कैलकुलेट करते हैं। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 6 28। ओके नाउ सीएफ निकालने के बाद बेटा अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा जल्दी बताओ, और यहां पर n का मतलब क्या है बेटा पहले ये बताओ। ओके सो अगर आप n कैलकुलेट करोगे बेटा तो n की वैल्यू आएगी 28। ओके सो पहले हम निकालते हैं बेटा Q1। सो Q1 इज इक्वल टू
एन प्लस वन बाई फोर, यानी 28 प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर, सो दिस विल बी 29 डिवाइडेड बाई फोर, हमसे सॉल्व करेंगे, 4 7 28.25। अब आप एक बात बताओ बेटा, 7.25 हम इसे सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो कहां पर आएगा बेटा? 7.25 कहां पर आएगा बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? चलो, हमने अभी Q1 की वैल्यू फाइंड आउट की, Q1 की वैल्यू है 7.25, तो 7.25 अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करें तो कहां पर आएगा बेटा? 13 में, बिल्कुल सही जवाब है। सो 13 के साथ x की वैल्यू कितनी है बेटा? 30, सो दिस विल बी आवर Q1 की वैल्यू, एंड सिमिलरली वी नीड टू फाइंड आउट Q3 की वैल्यू। Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 3 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो यानी ये आपका हो जाएगा बेटा 29 इनटू 3, 9 3 इज 27, 3 2 इज 6, 2 8, ओके, सो दिस विल बी 4 2 इज 8, 4 1 इज 4.75, 21.75। अब आप बताएं बेटा 21.75 किस में आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के? 22, ओके, एंड उसके साथ बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है? 40। सो पहले बताओ सब बच्चों को समझ में आया क्यों Q1 इज इक्वल टू 30 आएगा और Q3 इज इक्वल टू 40 आएगा? सब बच्चे ये समझ गए? ओके, एंड इसी के बेस पे बेटा अगर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना हो, सो Q3 माइनस Q1 हम कर लेंगे, यानी 40 माइनस 30, सो दैट विल बी 10। सारे बच्चे समझ गए? सारे जी बेटा। सो हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने समझ लिया बेटा। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना, क्वार्टाइल रेंज निकालना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपल है, Q3 माइनस Q1 करना है। मेन चीज हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि Q3 की वैल्यू कितनी आएगी और Q1 की वैल्यू कितनी आएगी। बढ़िया सा एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मैं यहां लिखता हूं बेटा मार्क्स, लेट्स से मार्क्स मैं लेता हूं बेटा, लेट्स से 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80 एंड 80 टू 90। ये मैंने रख दिया बेटा मार्क्स, और इसी के साथ मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 361, 132, 154, 140, 51 एंड 3। सबसे पहला बेटा काम, अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी बेटा 364, 64 प्लस 132, सो 190, 196, 196 प्लस 154, 200, 350, 350 प्लस 140, 390, 490, 490 प्लस 51, 40, 41, 4, 5, 41 एंड देन 544। पहले बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चे ओके। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा Q1। अब बहुत ध्यान से सुनना, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, एक सेकेंड, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे बेटा डिस्क्रीट सीरीज हो, अगर आप दोनों जगह पे देखो तो Q1 का फॉर्मूला इज n प्लस 1 बाई 4 एंड Q3 का फॉर्मूला इज n प्लस 1 बाई 4 एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे 3 से। द ओनली डिफरेंस इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज इज कि इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब होता था नंबर ऑफ आइटम्स और डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब होता था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सब बच्चों को क्लियर है ना? सारे बट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर बेटा जब हमें Q1 फाइंड आउट करना होगा तो दिस टाइम हम n प्लस 1 बाय 4 नहीं करेंगे, हम बल्कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे Q1 के लिए n बाय 4, एंड बेटा Q3 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे ओके, हमें करना क्या, अच्छा और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर n का मतलब ही क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, मैं आपके सामने ही करता हूं। सबसे पहले तो n का मतलब है बेटा सिग्मा एफ, सो सिग्मा एफ आएगा हमारा 544, ओके। सबसे पहले Q1 फाइंड आउट करते हैं बेटा, सो Q1 हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, n बाय 4 करना होगा, n बाय 4 हम करेंगे, दैट मींस 544 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस विल बी 4 वन्स ऑफ 4, 4 थ्रीज आर 12, 4, 5, 4, 6, 34, okay. 160th item आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमने n by 4 calculate किया है, हम इसे search करेंगे cumulative frequency में। तो बेटा एक बात बताओ, 136 cumulative frequency में कहां पर आएगा? नहीं, 136 कहां आएगा? 196। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, रुको। So, बेटा हमारा ये वो मतलब बेस पॉइंट होगा जहां पर हमारी Q1 लोकेट हो रही है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट हो रही है। तो इसके एक ऊपर वाली वैल्यू वो हमारे लिए क्या बोली जाएगी, ओके okay. इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए क्या बोला जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे एफ से। क्लास की लोअर लिमिट कितनी है बेटा, 40, ठीक है, एंड क्लास डिफरेंस यानी आई, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 10, ओके। सो बेटा अब ध्यान से सुने आप लोग, हमें करना क्या होता है, हमें Q1 फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। यही सेम फॉर्मूला ना आपने मीडियन में भी पढ़ रखा है बेटा, मीडियन का कंटिन्यूअस सीरीज कैसे निकलता था, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, कुछ याद आया सारे? बट द पॉइंट इज बेटा, सिंस हमें वहां पर मीडियन कैलकुलेट करना था तो हम n by 2 करते थे, अभी हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो हम n by 4 कर रहे हैं। बात समझ में आई, बात समझे आप लोग, ठीक ओके। सो अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, सो Q1 इज इक्वल टू L1 मतलब लोअर लिमिट इज 40 प्लस n by 4 की वैल्यू इज 136 माइनस CF हो जाएगा हमारा 64 अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज 132 इनटू I मतलब क्लास डिफरेंस दैट इज 10। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा, हमारे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 3n by 4 यानी बेटा 3 मल्टीप्लाई करेंगे 544 डिवाइडेड बाय 4 को, यानी 136 into 3, तो ये आएगा बेटा हमारा 6 3 18, 3 3 9 110, 3 1 3 4 408 बेटा। 408 को अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करें कहां पर आएगा, 490। तो बेटा उससे एक ऊपर की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, CF, ओके। 490 के साथ 140 हमारा जो फ्रीक्वेंसी, इसे डिनोट करेंगे F। क्लास लोअर लिमिट कितनी है, and difference, class difference is what, okay, so now Q3 is equal to L1 that is 60 plus 3n by 4 ki value aayi thi 408 minus CF that is 350 upon frequency that is 140 into class difference that is 10, aur iske through hum apni Q1 aur Q3 ki value find out kar lenge and then we will apply the formula of interquartile range. Baat samajh mein aayi sab bachcho ko सारे, ठीक ओके। तो ये तो हो गया बेटा हमारा मतलब करने का तरीका। अब ध्यान से समझो, अगर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करना है, सो वी विल यूज द फॉर्मूला थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर हमें कैलकुलेट करना है बेटा क्वार्टाइल डेविएशन, वी विल यूज द फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज हमें डेविएशन डिफरेंस फाइंड आउट करना है।
एंड अगर किसी भी चीज का कोफिशियंट फाइंड आउट करना हो, तो जैसे जब हमें कोफिशियंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना होता था बेटा, तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर में माइनस करते थे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट एंड डिनोमिनेटर में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट करते थे। सिमिलरली अगर हमें कोफिशियंट निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, सो बेटा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 यानी न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड डिनोमिनेटर में वही चीज प्लस कर देंगे। बात समझ में आई? सब बच्चे क्लियर? ओके, सो बेटा ये रहा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। अब उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन करना होगा। सबसे पहला काम ये है कि पहले आप लोग ना ये चीज अच्छे से नोट करेंगे। सारे बच्चे हेडिंग नोट करो बेटा, ये फॉर्मूला और उसके अंदर ये फॉर्मूला।